हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने घर वापस और वही रूटीन आपको देखने को मिलेगा मेरा, जैसा कि होता है। बट अभी व्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ, टाइम मिल नहीं रहा है, बट आपके लिए व्लॉग्स रेगुलर आएंगे। तो यहाँ सुबह सुबह बनाया था पोहा, तो बच्चों को मैंने पोहा दे दिया है एंड हम भी ब्रेकफास्ट कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ। पीछे बहुत ही ज़्यादा गंदा था और बहुत ही ज़्यादा जो घास थे कुछ कुछ वो बहुत ग्रो हो गए थे, तो उनको हमें हटाना था आज। और काफ़ी सारे जो हमारे पेड़ थे वो सूख चुके थे, बहुत सारे प्लांट्स जो थे तो वो सारे सूख गए थे, तो देख सकते हो। और ये मिंट के भी है सामने, तो मिंट आई थिंक थोड़ा बचा हुआ है। तो बस हस्बैंड वाइफ इसी में लगे हुए हैं सुबह सुबह कि बस कैसे भी ये सारा जंगल जो है आज हम साफ़ कर दें। और वैसे भी जो हम लोग की लाइफ है ना फौज में, वो इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाती है। और साफ़ सफाई फिर, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो यहाँ पे नेबर होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो भाभी को मैंने बोला था आगे वाला जो था ना प्लांट्स उस पर पानी डाल दें, तो वो सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो बस इन सभी को अच्छे से हम लोग कर देंगे। अभी जितना हो पाया हमने वो किया, क्योंकि आगे भी बहुत काम है और बहुत सारा मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा घर दिखाने लायक हो जाएगा, थोड़ा सा काम कम रहेगा, तब से मैं स्टार्ट करूँगी व्लॉग। तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ नहीं अभी रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर मैंने जो बर्तन क्लीन करके गई थी ना, उनको फिर से मैंने किया है एक बार वॉश, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए थे यहाँ पर आए हुए, तो इस वजह से मैंने सारे बर्तनों को क्लीन कर दिया दोबारा से और इनको भी मैं रख दूँगी। और सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं लंच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भूख तो लगनी है। और खुद तो चलो थोड़ा सा लेट भी खा लेंगे, बट बच्चों के लिए तो इतना लेट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए। और लंच में जो है मैं मशरूम बना रही हूँ, और जो बीन्स होता है ना हम लोगों में बोरा भी उसको बोलते हैं, ये हाँ ये दूसरा वाला लंबा वाला जो बिल्कुल डार्क ग्रीन बीन्स होता है वो है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, ज़ीरा डाल दिया एंड देन चॉप्ड अनियन डाल के थोड़ा सा इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया है, क्योंकि आलू जो है पकने में टाइम लगता है, तो आलू में थोड़ा सा अनियन भी था तो वो मिक्स हो गया था। सो आलू के साथ मैंने थोड़ा सा बीन्स भी डाल दिया, ताकि अब साथ में सब कुछ बने। तो मेरा ऐसा लगा था जल्दी जल्दी मैं बस क्विक सा बनाऊं, तो यहाँ पे सारे जो नॉर्मल मसाले होते वो डाल दिया, नमक डाल दिया पहले ही, ताकि जल्दी से वो पक जाए। ढक ढक कर मैं यहाँ पका रही हूँ। और ये दही देख सकते हो कितना मतलब बढ़िया जमा है, दही बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब जमता है, क्योंकि यहाँ पे जो दूध लेते हैं ना हम लोग, वो भैंस का दूध है, वो बहुत ही अच्छा पनीर बनता है उसका। आप लोगों ने आई एम श्योर मेरे सारे व्लॉग्स में देखे ही होंगे। तो घर पर मैं पनीर बना रही हूँ लास्ट 2 ईयर से सेम। अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है दूसरे कढ़ाई में एंड देन उसमें मैंने डाल दिया है जीरा। और यहाँ पर मैं चॉप करूँगी खूब सारा टमाटो, क्योंकि इस सब्ज़ी में आपको ज़ीरा वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं मशरूम फ्राई बना रही हूँ, और मशरूम की सूखी सब्ज़ी भी इसको आप बोल सकते हो, बट ये बहुत डिलीशियस होता है। इस तरीके से अगर आप बना लेते हो ना मशरूम फ्राई, तो आप सैंडविच इसका बहुत अच्छा बना सकते हो, पिज़्ज़ा में इसको टॉपिंग एज अ टॉपिंग डाल सकते हो। तो मैंने मशरूम को बहुत ही फाइनली चॉप किया है, देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं कई बार सैंडविच में भी डाल देती हूँ। तो मसाले मैंने थोड़े थोड़े डाले हैं, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है बस, और हल्दी इसमें डलता नहीं है इस सब्ज़ी में, तो अगर आप चाहते हो तो हल्का सा डाल सकते हो, बस इसमें हल्दी की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इस मशरूम की सब्ज़ी में, मशरूम फ्राई में। तो मैंने चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला एंड टमाटो को अच्छे से जब सब कुछ गल जाए पक जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्रंच रहेगा तो भी अच्छा लगता है मशरूम की सब्ज़ी में, मैंने उसको निकाल लिया। देन यहाँ पर दाल को मैं तड़का दे रही हूँ, और दाल बहुत ही डिलीशियस बना था, अगर आप कढ़ी पत्ता डाल देते हो तो अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना जो है सर्व कर लिया। और आज का व्लॉग आई नो छोटा है, बट नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छे आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर बने रहना व्लॉग में। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़।